ये आप देख रहे हैं, ये भाटे की खेती थी। यहाँ का किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान था और कई प्रकार की उसने जो है कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया। मैं घूम भी रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि भाटे में सड़न आ गई थी। लेकिन इसमें हमने उम्मीद नहीं छोड़ी और अपना प्रोडक्ट एमपीडी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट का एमपीडी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खेती के किसी भी फसल के लिए लाभकारी है। अब आप देखिए ये भाटे की कंडीशन, ये भाटे जो है बीमार हो चुके थे, ये भाटे बीमार हो चुके थे, लेकिन इन भाटों को हमने जिंदा कर दिया है और ऐसी मजबूती ला दी है, एक ही बार छिड़काव करवाया है। अभी फल निकल चुके थे, भाटा सड़ चुके थे, खराब होने की कंडीशन में थे, हमने एक ही बार छिड़काव करवाया है तो ये स्थिति आई है। अब जो हमारे किसान भाई हैं, हम उनसे कहेंगे कि एक से दो बार और छिड़काव कर दें, भाटे की फसल और अच्छी होगी आपकी। क्योंकि जब तक किसान सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक हम भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भाटे जो है ऐसी कंडीशन में आ गए थे कि इनकी जो है कहा जाए तो उम्मीद ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन इन भाटों को हमने जिंदा किया है। फसल की उम्मीद हमने ऐसी बढ़ाई है, इसको ऐसे ऐसी स्थिति में ला दिया है कि अब किसान अपनी पूंजी और उससे दो चार पैसे उसको फसल बेचने के उपरांत मिल सकता है। चलिए धन्यवाद, इसी के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूँ। और यहाँ लेकिन मैं मान गया कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट का एमपीडी खेती के लिए बहुत ही लाभकारी। चलिए धन्यवाद। थोड़ा और ले लूँ, मस्त यहाँ की देख सकते हैं आप, फलों में काफी जान आ गई। यहाँ देखिए आप, ये देखिए आप, ये फसलें हैं। पौधों की लंबाई मेरे ख्याल से अभी मेरे इधर कमर तक जा रही है, अगर एमपीडी पड़ गया तो ये कंधे तक आ जाएंगे इसके पौधे। और जो भी ये छोटे छोटे हैं, आने वाले समय में दो तीन बार यदि एमपीडी का छिड़काव हो जाएगा तो ये फसलें और अच्छी हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ये पूरी भाटे की खेती है, सिर्फ भाटा लगा हुआ है इसमें। तो मैं एमपीडी के ऊपर विश्वास करता हूँ और किसान भाइयों से भी यही कहूँगा कि वो और किसी चीज़ में ना जाएं और कोई कीटनाशक ना डाल के एमपीडी का प्रयोग करें भाटे की फसल को। आप देख सकते हैं किसी भी सब्जी भाजी में या अनाज में इसका प्रयोग किया जा सकता है। एकदम इसको भी दिखा दो ना, ये देखते हैं है ना, चल सब पूरा नीचे दिखा दो सारा है ना, हो गया चले।